हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें और इसे कैसे कम करें। दोस्तों, स्ट्रेस यानी कि तनाव एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये दूसरी बीमारियों को आपके शरीर में दावत देती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कभी कभी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी स्ट्रेस से हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 15 सिंपल टिप्स बताऊंगा जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करेंगे और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली टिप से। टिप नंबर 1, लिविंग एंड रिग्रेटिंग अबाउट द पास्ट। दोस्तों, बहुत केसेस में स्ट्रेस का ये कारण होता है कि लोग प्रेजेंट समय में रहकर भी पास्ट के बारे में सोचते हैं और पास्ट में हुई गलतियों के बारे में अफसोस करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपका सिर्फ स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है वो चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बारे में सोचकर आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो। तो सिंपल चीज़ है, जो हो गया उसे आप छोड़ दो और आप आगे के ऊपर फोकस करो। टिप नंबर 2, डोंट ओवरथिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें। दोस्तों, बहुत केसेस में ये कारण होता है स्ट्रेस का कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान फ्यूचर के बारे में सोचने में ही लगाएंगे तो आपके दिमाग में, आपके मन में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या वो अच्छा होगा, क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, एक सिंपल सा सलूशन है इसका कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि ये आपका स्ट्रेस लेवल को ही बढ़ाएगा। आप फ्यूचर को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आप ये सोचिए कि फ्यूचर में जो भी होगा मैं उसे फेस करूंगा। टिप नंबर 3, लिव योर लाइफ डे बाय डे। इसका सिंपल अर्थ ये है कि आप ना पास्ट के बारे में सोचे ना फ्यूचर के बारे में सोचे। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। आप सिर्फ अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस इन 24 आवर्स पर लगाएं, और आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि आप इन 24 आवर्स को अच्छी तरीके से जिएं और इन 24 आवर्स का बेस्ट आउटपुट निकाल सकें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होगा, क्योंकि आपकी फ्यूचर की चिंता और पास्ट में हुई गलतियों का अफसोस दोनों नहीं रहेगा। तो ये सिंपल टिप है कि भाई, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो हमें नहीं पता, और जो पास्ट में हो गया है वो तो सील हो गया है, क्योंकि पास्ट इज सील्ड। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं दिन के। प्रेजेंट में जियो और इन 24 घंटों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए और खुश रहो। टिप नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको सब जगह मिलेंगे, भले वो ऑफिस हो या स्कूल कॉलेज हो या आपका घर हो। इसका सिंपल सलूशन ये है कि उनसे आप दूर रहिए, उनको अवॉइड कीजिए और उनको इग्नोर करो, और अपने आप पर नेगेटिव थॉट्स को हावी होने ना दें,
और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए लाइफ की तरफ, एक पॉजिटिव थिंकिंग से लाइफ को जिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आप नेगेटिव एनर्जी से भी बचेंगे। टिप नंबर 5, कैटेगराइज योर स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स। बहुत केसेस में आप ऐसी चीजों का स्ट्रेस लेते हो जो स्ट्रेस लेने लायक होती ही नहीं है, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का स्ट्रेस लेना चाहिए और कौन सी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कौन सी चीज स्ट्रेस लेने लायक है और कौन सी चीज स्ट्रेस लेने लायक नहीं है। टिप नंबर 6, डोंट टेक सिचुएशन, पीपल एंड देयर वर्ड्स टू सीरियसली। दोस्तों, एक कहावत है, वर्ड्स एंड सिचुएशंस बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। इसका सिंपल अर्थ ये है कि किसी भी सिचुएशन को और लोगों की बातों को अपने मन पर हावी होने ना दें, उन्हें उतना इम्पोर्टेंस ही ना दें और उनकी बातों को इतना सीरियसली ना लें। टिप नंबर 7, फॉरगिव पीपल एंड स्टॉप होल्डिंग ग्रजेस और फीलिंग ऑफ रिवेंज। दोस्तों, ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत केसेस में क्या होता है कि कभी किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत किया होता है जिसका आपको गुस्सा आता है और आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक बदले की भावना रखते हैं और आप उस व्यक्ति को उसकी हरकत के लिए माफ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये रीज़न भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर, मन के अंदर ये बदले की भावना रखते हैं और इस बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। दोस्तों, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी तरफ से उसे माफ़ कर दीजिए और किसी भी तरह की फीलिंग ऑफ रिवेंज यानी बदले की भावना या फिर कोई ग्रजेस ना रखें। आप सिर्फ इतना सोचिए कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ईश्वर है, एक भगवान है, एक खुदा है जो सब कुछ देख रहा है। जो अच्छा करता है उसके साथ वो अच्छा होने देता है और जो बुरा करता है उसके साथ वो बुरा करता है। तो आप जिसने जो भी किया है वो उस ईश्वर के हवाले छोड़ दीजिए और आप उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। ये आपके ही बेनिफिट के लिए है, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल जो इस रीज़न के वजह से हो रहा है वो कम होगा। टिप नंबर 8, टेक अ वॉक इन ए पार्क फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। दोस्तों, एक कहावत है कि माइंड कैनॉट स्टे विदाउट बॉडी। एक फिट एंड हेल्दी बॉडी काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, इसलिए ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज कीजिए एक बैलेंस डाइट के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एक्सरसाइज और बाकी ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए टाइम, समय नहीं होता है। इसके लिए मेरा एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप दिन में कम से कम 15 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं और ये 15 मिनट्स में आप किसी पार्क या गार्डन या फिर किसी ओपन स्पेस में जाएं। ऐसा करने से आपके बॉडी में फ्रेश एयर और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ओपन स्पेस में
ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। टिप नंबर 9, प्लान योर वर्क शेड्यूल और स्टडीज वाइजली टू अवॉइड लास्ट मिनट हरी। दोस्तों, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो अपना वर्क शेड्यूल पहले ही प्लान कर लो, और अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडीज पहले ही प्लान करके कर लीजिए। इससे लास्ट मोमेंट में होने वाला जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है, और इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। टिप नंबर 10, मेंटेन गुड रिलेशंस। दोस्तों, अच्छे रिलेशन से पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करता है। अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करने से आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने में काफ़ी हद तक मदद होती है। हमें एंटी सोशल नहीं बनना है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो सोसाइटी से पूरी तरीके से हर एक कनेक्शन तोड़ देते हैं, और ऐसे लोग लास्ट में बहुत ही आइसोलेटेड यानी अकेले हो जाते हैं। तो दोस्तों, गुड रिलेशन मेंटेन कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। टिप नंबर 11, फॉलो योर हॉबी। दोस्तों, आज के बिजी लाइफ में लोग जीना ही भूल गए हैं। ऑफिस आवर्स एंड ट्रैवलिंग में ही दिन का ज़्यादातर समय चला जाता है। लाइफ बहुत ही मोनोटोनस बनती जा रही है। दोस्तों, हॉबी आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है, और स्ट्रेसफुल थॉट्स से आपका माइंड डाइवर्ट करता है। इसलिए अपनी हॉबी को फॉलो करो, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी। टिप नंबर 12, ट्रस्ट इन गॉड एंड प्रे एटलीस्ट वंस इन अ डे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स ईश्वर की तरफ से आते हैं, और उनका सलूशन भी उन्हीं के पास होता है। आज के तारीख में लोगों के पास सबके लिए समय है, सिर्फ ईश्वर जिन्होंने उसे बनाया है उसी के लिए समय नहीं है। तो दोस्तों, कम से कम दिन में एक बार हमें उन्हें याद करना चाहिए। इससे आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और ये काफ़ी हद तक आपको आपका स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेगा। टिप नंबर 13, डोंट स्ट्रेस ओवर थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। दोस्तों, बहुत केसेस में ऐसी सिचुएशन आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि घर में कोई बीमार है। ये सिचुएशन में स्ट्रेस लेने से वो व्यक्ति ठीक नहीं होने वाला, पर उनका इलाज कराने से वो ठीक हो सकता है और आपका स्ट्रेस भी कम हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसका स्ट्रेस लेने के बजाय उसके सलूशन पे आप वर्क कीजिए। टिप नंबर 14, नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट एंड हेंस नो स्ट्रेस। दोस्तों, काफ़ी केसेस में हम लोगों से पहले से ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, और फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा होती है, और फिर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इसलिए इसका सिंपल सलूशन ये है कि आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद ही ना रखें, ताकि ना आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा हो, और ना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े। इसलिए मैंने कहा, नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट एंड हेंस नो स्ट्रेस। टिप नंबर 15, नेवर गिव अप एटीट्यूड टू बीट स्ट्रेस एंड बाउंस बैक इन लाइफ। दोस्तों, स्ट्रेस से लड़ने के लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कभी ना हार मानने वाला जज्बा।
सिचुएशन से लड़ते रहो और एक दिन सिचुएशन आपके सामने हार जाएगी। दोस्तों, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ये मेरी तरफ से 15 टिप्स थे। अगर आप इनको सीरियसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।